ना खानदानी रसूख का माया और ना ही पार्टी। बीजेपी के इन दिग्गज नेताओं को जनता ने पूरी तरह से धूल चटा दी है। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की जोड़ी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। हरियाणा में बीजेपी को बहुमत से कुछ कम सीटें मिलती दिख रही हैं। लेकिन खास बात यह है कि इन चुनावों में कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा है। आज हम आपको बताएंगे ऐसे ही दिग्गज नेताओं के बारे में जिनकी उम्मीदवारी तो खास थी लेकिन वो जल्दी ही ढेर हो गई। कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री। कैप्टन अभिमन्यु चुनाव हार चुके हैं। ये नारनौज विधानसभा सीट से जेजेपी के राम कुमार गौतम से हारे हैं। दूसरा नाम आता है सोनाली फोगाट का, जिसे बीजेपी ने उसकी लोकप्रियता के आधार पर चुनाव के मैदान में उतारा था। यादवपुर सीट पर चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई से हार गई। अगला नाम आता है सुभाष बराला का। हरियाणा बीजेपी के नेता है सुभाष बराला, जिन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया है, वो भी अमित शाह की फटकार के बाद, क्योंकि ये टोहाना विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। अगला नाम आता है कविता जैन का। हरियाणा सरकार में मंत्री हैं कविता जैन। कांग्रेस के उरेंद्र पवार से हारी हैं, जिन्हें सोनीपत सीट से मैदान में उतारा गया था। तो ये थे वो दिग्गज नेता जिन्हें बीजेपी ने चुनावी मैदान में बड़ी उम्मीदों से उतारा था, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और जनता ने इन्हें जबरदस्त धूल चटा दी। इस बारे में आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब।